स्टैंडर्ड 3 चैप्टर 4 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब पार्ट 2। फीदर्स आर द मोस्ट यूनिक फीदर्स ऑफ द बर्ड। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, टू कीप इट्सेल्फ वार्म एंड टू कैमोफ्लेज। फीदर्स आर ऑफ द 3 टाइप्स। फीदर्स जो होते हैं वो बर्ड को एक यूनिक, अलग टाइप का यूनिकनेस देते हैं, मतलब वो अलग बनाते हैं सारे बर्ड्स को, अपने खुद के अलग अलग फीदर्स होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, टू कीप इटसेल्फ वार्म, मतलब वो बर्ड्स को उड़ने में उनको वार्म रखने के लिए। एंड द कैमल्स फ्लैग एंड द फीदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एंड फीदर्स जो होते हैं वो 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। बॉडी फीदर्स, दे कवर द बॉडी विंग्स एंड टेल, मतलब वो बॉडी को और टेल को कवर करते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइक इन वेट, मतलब वो मजबूत तो होते हैं लेकिन वजन में हल्के होते हैं। दे गिव ए स्मूथ शेप टू द बर्ड, वो बर्ड को एक स्मूथ शेप देते हैं। डाम फीदर्स, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी, अंडरनीथ टू द बॉडी फीदर्स। दे आर फ्लफी एंड सॉफ्ट एंड हेल्प टू द कीप द बर्ड वार्म। दे आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी, वो बॉडी के बहुत क्लोज, मतलब नज़दीक होते हैं, अंडरनीथ अंदर की तरफ होते हैं। एंड बॉडी फीदर्स, मतलब बॉडी से जुड़े हुए होते हैं, बाहर की तरफ नहीं होते। इट मीन बाय दे आर फ्लफी, फ्लफी यानी थोड़े से ब्रॉड, पौड़े से, एंड सॉफ्ट होते, नाजुक होते हैं। हेल्प टू कीप द बर्ड वार्म, और वो बर्ड को वार्म रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फ्लाइट फीदर्स, दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल्स ऑफ द बर्ड। वो इस टाइप के बर्ड्स कहाँ पे होते हैं, वो विंग्स पे होते हैं या फिर बर्ड की टेल पे होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट, वो बहुत लंबे एंड फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं। द विंग फीदर्स आर यूज इन फ्लैपिंग एंड टेल फीदर्स हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग ए फ्लाइट। इस टाइप के विंग्स फीदर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लिपिंग एंड द टेलिंग फीदर्स हेल्प इन द चेंजिंग द डायरेक्शन, मतलब वो जिस तरह, जिस साइड, मतलब बर्ड आकाश में अगर उड़ रहे हैं और उनको डायरेक्शन चेंज करना है तो वो डायरेक्शन इस पंख की वजह से वो कर सकते हैं। हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड कैसे फ्लाई करेंगे, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, वो विंग्स यानी पंख की मदद से वो फ्लाई करेंगे। विंग्स आर द मॉडिफाइड फोर लिम्स, दे मूव इन टू स्पेशल वेज कोल्ड अप स्ट्रॉक एंड डाउन स्ट्रॉक। विंग्स अलग दो अलग अलग टाइप की होती है, अपस्ट्रॉक एंड डाउन स्ट्रॉक। इन अपस्ट्रोक द विंग्स आर थ्रोन अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अपस्ट्रोक क्या करता है, ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ आने जाने में, बैक आने में और अप फॉरवर्ड जाने के लिए यूजफुल होते हैं। वाइल इन डाउन स्ट्रोक द विंग्स आर, डाउन स्ट्रोक विंग्स जो होती है पुश डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब वो आगे या पीछे की तरफ धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए, अपने आप को पुश करने के लिए वो डाउन स्ट्रोक यूजफुल होते हैं। डाउन स्ट्रोक विंग्स जो होती है वो यूजफुल होती है। दिस स्ट्रोक्स लिफ्ट द बर्ड इन टू द एयर एंड द बर्ड फ्लाइज, मतलब ये जो स्ट्रोक्स होते हैं वो बर्ड्स को एयर को धक्का लगाने के, वो अगर हवा में उड़ रहे हैं तो हवा ऊपर की तरफ अगर जो है उनको धक्का देने के लिए, हवा से पास ऑन होने के लिए ये उनको हेल्पफुल होता है और उड़ने में ऐसे हेल्पफुल होता है। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, मतलब अगर कोई भी दिशा में जा रहे हो और दिशा चेंज करनी है, बर्ड्स यूज दैट टेल फीदर्स, तब बर्ड्स अपनी टेल्स फीदर को, मतलब पूंछ की तरफ जो
पीछे जो टेल है उस पे जो पंख होते हैं उनका यूज करते हो डायरेक्शन चेंज करने में। वुल्चर्स एंड काइट्स कैन फ्लाई वेरी हाई। वुल्चर्स एंड काइट नाम के जो बर्ड्स है वो बहुत ही तेज उड़ते हैं। स्पैरो फ्लाई वेरी स्लो, स्पैरो जो होती है वो धीरे से उड़ती है। पिजियंस एंड क्रो हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स एंड कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। पिजियंस एंड क्रो वो उनको फ्लाइट मसल्स जो उनके मसल्स से होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत दूर तक वो दौड़ सकते हैं। हैंस एंड पीकॉक्स कैन फ्लाई ओनली ए शॉर्ट डिस्टेंस। हैंस एंड पीकॉक्स थोड़े ही डिस्टेंस पे वो चल सकते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। देर आर सम बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स दैट कैन नॉट फ्लाई मतलब पेंगुइन जैसे जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ नहीं सकते। दैट कैन नॉट फ्लाई एट ऑल बिकॉज दे हैव वीक फ्लाइट मसल्स एंड हैवी बॉडीज। पेंगुइन टाइप के जो बर्ड होते हैं वो उड़ नहीं पाते क्योंकि उनके फ्लाइट मसल्स जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, मजबूत नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते एंड हैवी बॉडी, और उनका बॉडी भी बहुत हैवी होता है मतलब अपने बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा होने के कारण अपने आप को वो उठा नहीं पाते, इसीलिए वो उड़ नहीं सकते। हावेवर दे कैन वॉक फास्ट ऑन द ग्राउंड एंड स्विम इन ए वॉटर। बट वो ग्राउंड पे फटाफट चल सकते हैं एंड पानी में तैर भी सकते फटाफट, पर उड़ नहीं सकते। नेस्टिंग हैबिट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स। बर्ड्स अपने नेस्ट में यानी घोंसले में अंडे देते हैं। दे बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ एंड हाइडन प्लेसेस लाइक रूफ टॉप्स, सीलिंग फैंस एंड ओल्ड बिल्डिंग्स, पोल्स, हॉलोज ऑफ ट्रीज, इन बशेस। बर्ड्स अपने नेस्ट अपने घोंसले कहाँ कहाँ पर बनाते हैं, जो जहाँ उनको सेफ लगे, जहाँ उनको अपने आप को और बच्चे की सेफ्टी फील होती है वहाँ पे, एंड हिडन प्लेसेस यानी बहुत नहीं दिखने वाली जगह जो होती है, कम दिखती है, उस जगह पर वो अपने नेस्ट बनाते हैं, जैसे कि रूफ टॉप यानी छत के ऊपर, सीलिंग फैन यानी अपने पंखे के ऊपर, ओल्ड बिल्डिंग यानी पुराने जो बिल्डिंग्स है वो, पोल्स, होलो ट्रीज एंड इन द बशेस एंड पेड़ की झाड़ियों में भी वो अपने घोंसले बनाते हैं। दिस प्लेसेस सेव देम फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। ये जो सारी जगह है वो उनके दुश्मनों से और वेदर से, हवामान से, तापमान से उनको बचाते हैं। बर्ड्स यूज लीव्स, ट्विंग्स, ग्रास, फीदर्स, वूल, कॉटन, रैग्स, मॉड्स एंड इवन पेबल्स टू द बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स अपने नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? यूज लीव्स, पत्ते, ट्विंग्स, पतली डाली कह सकते लेकिन एकदम सी पतली होती है उनको ट्विग्स बोला जाता है, ग्रास, फिर फीदर्स, वुड, कॉटन, रैग्स, मड एंड इवन पेबल्स टू द बिल्ड देयर। ये सारी चीज़ वो अपने घोंसले बनाने में यूजफुल करते हैं। द नेट्स प्रिवेंट द एग्स एंड यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग डाउन एंड कीप देम सेफ एंड वॉर्म। जो नेस्ट होते हैं वो बर्ड्स के एग्स को बचाते हैं एंड अपने यंग वन और उनके बच्चे को गिरने से बचाते हैं, एंड देन सेफ एंड वॉर्म, और वो उनको वहाँ पे सेफली एंड वॉर्मनेस दे सकते हैं, इसीलिए नेस्ट उनको यूजफुल होते हैं। नेस्ट उनको उनके बच्चे को मतलब बर्ड के बच्चे को गिरने से बचाते हैं। फिर एग्स के टाइम वो एग्स जो होते हैं उनको एनिमीज से बचाते हैं एंड जब तक वो बड़े नहीं हो जाते वहाँ वो सेफली रह सकते हैं।
डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेट्स, अलग अलग बर्ड अलग अलग टाइप के नेट्स बनाते हैं. द नेट्स डिफर इन साइज, शेप, लोकेशन इन द मटेरियल यूज टू बिल्ड दैम. अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के एंड अलग अलग जगह पे और अलग अलग मटेरियल से नेट्स बने हुए होते हैं. टाइप्स ऑफ नेट्स, स्क्रैप नेट्स. बर्ड्स लाइक पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, वुलचर एंड क्वेल मेक स्क्रैप नेट्स. वुलचर जो होते हैं, पेंगुइन, वुलचर, ऑस्ट्रिच, क्विल, ये सारे नेट्स कैसे बनाते हैं? स्क्रैप टाइप के नेट्स बनाते. दे आर सेलो डिप्रेशंस इन द ग्राउंड और इन द लीफ लिटर. वो ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? सेलो डिप्रेशंस इन द ग्राउंड, और मतलब ग्राउंड के अंदर थोड़ी सी डीप जो जगह होती, मतलब ज़मीन पे जो थोड़ी अंदर की तरफ होती है वहाँ, या फिर लीफ लिटर, या फिर जो पेड़ होते हैं उनके पेड़ के पत्ते ऊपर. द नेट्स आर समटाइम्स लाइंड विथ लीव्स. ग्रासेस, स्मॉल स्टोन्स और फीदर्स, दिस मटेरियल्स हेल्प टू कैमफ्लेज द एग्स, कीप देम वार्म एंड इन प्लेस. क्या है? द नेट्स आर समटाइम्स लाइंड विथ लीव्स, मतलब कभी कभार नेट्स जो है वो ग्रास से, स्मॉल स्टोन से, छोटे छोटे पत्थर से और फीदर्स से बने होते. दिस मटीरियल हेल्प कैमफ्लेज एंड द एग्स, मतलब वो एग को एक वार्मनेस देते हैं, एक वार्मनेस फील कराते हैं. देम वार्म एंड इन दिस प्लेस, मतलब वो जगह उनको वार्मनेस फील कराते हैं. बूरो नेस्ट. बर्ड लाइक स्वेलो एंड किंगफिशर मेक बूरो नेट्स. स्वेलो एंड किंगफिशर टाइप के जो बर्ड्स होते हैं वो क्या? बूरो नेस्ट बनाते हैं. दे डीक द ग्राउंड, वो ग्राउंड को थोड़े से खुरसते हैं, मतलब अंदर मतलब ज़मीन को थोड़ा खुरदते हैं विद देयर बीक एंड पुश द सोल आउट द कैविटी बाय स्टफिंग देयर फीट, मतलब अपने पांव और अपने बिल्स की मदद से वो ज़मीन को थोड़े खुरसते हैं और थोड़े खुरसने के बाद उनकी अंदर अपना नेस्ट बनाते हैं. दिस टनल्स बुरो वेरी इन दैट डेप्थ एंड इन एंड 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 लार्ज चैम्बर वेर द बर्ड्स कीप दैट एग्स. ये जो टनल है या फिर बुरो है, वेरी इन दैट डेप्थ, मतलब डेप्थ में उंडे, जमीन के अंदर उंडे होते हैं, एंड इन एंड लार्ज चैम्बर, और एक एंजल एंड बड़ा सा एंड लार्ज चैम्बर्स बना के वहाँ पे पूरा करते हैं, मतलब वहाँ से लेके थोड़ा डीप, यानी अंदर ज़मीन के अंदर, ऊपर की तरफ नहीं दिखता, वो एक चैम्बर टाइप बनाते जो एकदम फ्लैट, अंदर की तरफ फ्लैट और बाहर से आप अंदर जा सको ऐसा होता है, और बाहर से किसी को दिखता भी नहीं है ऐसा होता है. वेयर द बर्ड्स कीप देयर एग्स, और वहाँ पे बर्ड्स अपने एग्स रखते हैं. कैविटी नेट्स. बर्ड्स लाइक वुड कीपर, आउल एंड पैरोट मेक कैविटी नेट्स. बर्ड्स जैसे कि वुड कीपर, आउल, वुड कीपर, आउल एंड पैरोट कैविटी टाइप के नेट्स बनाते. दिस बर्ड मेक ए कैविटी इन ए लाइंग लिविंग और ए डेड ट्रीज. ये जो बर्ड्स है कहाँ पे कैविटी बनाते अपने नेट्स कहाँ पे, मतलब लिविंग और ए डेड ट्री, जो पेड़ डेड हो गए हैं एंड जो पेड़ लिविंग है अभी जिंदा है उनके अंदर ये बनाते हैं. वुड पिक बी वुड पिकर्स यूज दैट चीजल लाइक बीक टू एक्सकेवेटेड, यानी डिग आउट. वुड पिकर्स यूज दैट चीज लाइक बीक. वुड पिकर अपनी चीज लाइक बीक का यूज टू एक्सकेवेटेड, यानी डिग आउट, अंदर खुरेसते हैं वो पैर को धर कैविटी नीज बनाने के लिए, वो अपना कैविटी बनाने के लिए अपनी बीक का यूज, जो चीजल लाइक बीक है ना, उनको पेड़ को वो खुरसते हैं, पेड़ को वो पूरा खुरस देते हैं
और अंदर की तरफ नेस्ट बनाते हैं। कैविटीज आर नॉर्मली मेड ऑन द डाउनवर्ड फेसिंग साइड ऑफ ए ब्रांच टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड रेन्स। मतलब ये कैविटी कहाँ पे बनती है, ज़्यादातर जो ब्रांचेस झुकी हुई होती है और उस ट्रंक के अंदर, या फिर वो उस ब्रांच जो झुकी हुई होती है उस ब्रांच के अंदर ये कैविटीज़ बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो रेन से बच सकते हैं, ये कैविटी रेन से बच सकती है एंड प्रेडेटर्स यानी उनके दुश्मनों से भी उनको बचा, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्रांच झुकी हुई है तो किसी भी एनिमल्स को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई नेस्ट है और अब इजीली अंदर नेस्ट बना सकते हैं, मतलब अपने बर्ड को और एग को संभाल के सेफ्टी से वहाँ पे रख सकते हैं। कप नेस्ट। As the name suggests, these nests are cup-shaped. जैसे ये नाम दिया है उसी हिसाब से ये उसका शेप भी कप शेप का होता है। They may be made in a variety of locations like branches of trees and shrubs, ground, etc. ये mostly कहाँ पे बने हुए होते हैं, वेरियस वेराइटी ऑफ लोकेशन, अलग अलग जगह पे, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्रीज की ब्रांचेस पे एंड श्रब्स के अंदर एंड ग्राउंड पे, ये इस टाइप की अलग अलग जगह पे ये कप टाइप के नेस्ट बने हुए होते हैं। दे आर मोस्टली मेड ऑफ ग्रास एंड हैव अ डीप डिप्रेशन फॉर ए एग्स, और ज़्यादातर ये ग्रास से बने हुए होते हैं। हमिंग बर्ड्स and tailor birds make this type of nests, and this type cup birds कौन कौन बनाते हैं, हमिंग बर्ड एंड टेलर बर्ड्स टाइप के बर्ड्स जो होते हैं वो दिस टाइप के बर्ड्स नेट्स बनाते हैं। द टेलर बर्ड्स स्वीस लीव्स टूगेदर टू मेक ए नेस्ट। टेलर बर्ड्स यूज लीव्स, वो पत्ते को सीता है टेलर बर्ड अपना नेस्ट बनाने के लिए, एक दूसरे मतलब एक पत्ता दूसरे पत्ते के साथ वो बुनता है, सिलता है एंड टू मेक ए नेस्ट, और फिर अपना नेस्ट बनाता है। इट मेक्स होल ऑन द एजेस ऑफ लीव्स विद इट्स फाइन बीक एंड स्यू देम विद थ्रेड वूल लीव्स एटसेट्रा। वो पत्ते के अंदर होल बनाता है और अपनी बीक की मदद से, अपनी बिक से वो थ्रेड का यूज़ करके या फिर वूल का यूज़ करते या फिर लीव्स का यूज़ करके वो दोनों पत्ते को वो जॉइन करता है, एक दूसरे को सीता है। वो सीने के लिए वो थ्रेड लिया लेके आता है, यानी थ्रेड यानी दोरा, दोरा होता है ना वो, वूल या फिर वूल उससे भी वो सीता है, या फिर लीव्स जो लंबे लंबे लीव्स होते हैं उससे भी दो पत्ते को वो ज्वाइन कर देता है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द टेलर बर्ड, इसीलिए मतलब ये दो पत्ते को सिल के एक दूसरे से ज्वाइन करके अपनी बीक की हेल्प से वो दो पत्तों को ज्वाइन करके सिल के बनाता है, इसीलिए उनको टेलर बर्ड बोला जाता है। This is why it is called the tailor bird. इसीलिए उनको tailor bird बोला जाता है। The bird keeps hair, wool, grass and cotton in the nest to make its warm and comfortable. The bird keeps hair, wool, grass and cotton in nest to make it warm and comfortable. Bird keeps hair, मतलब इसके अंदर जो यूज़ किए वूल, ग्रास, कॉटन, वो क्या करता है कि वो बर्ड्स को वार्म करता है। ये टेलर बर्ड जिस जिस चीज़ से बनाता है, जैसे कि थ्रेड है, वूल है, लीव्स है, उससे वो सीता है, वो सारी चीज़ बर्ड को और अंदर एग्स को, अंदर एग्स जो होंगे उनको वो वार्मनेस फील कराएगा, कंफर्टेबल भी फील कराता है। अब आगे पेंडेंट नेस्ट। पेंडेंट द
weaver bird and sun bird weave a pendant nest. The nest is very beautiful and strong. It is made of twigs, straw and grass. The weaver bird and sun bird weave a pendant nest. Weave यानी गूंथना, एक दूसरे को जोड़ के गूंथना होता है, weave करना होता है. The nest is very beautiful and strong. इस टाइप के nest बहुत ही strong and beautiful दिखते हैं. It is made of twig. वो किस किस से बने होते हैं? Twig, straw, grass से बने होते हैं. The nest hangs from the branch of a tree and has a tunnel like opening at the bottom through which the bird enter its home. इस टाइप के बर्ड्स क्या होते हैं? इस टाइप के बर्ड्स हैंग फ्रॉम द ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री, मतलब ट्री की जो ब्रांच होती है वहाँ पे वो लटके हुए होते हैं. एंड हैज ए टनल लाइक ओपनिंग, और उसके अंदर जाने के लिए टनल लाइक वे होता है. जैसे कि हम किसी टनल के अंदर जाते तो बाहर से बहुत छोटा सा हॉल होता है, उसके अंदर जाने के बाद वो ब्रॉड दिखता है. उसी टाइप के इस नेस्ट में अंदर जाने के लिए एक छोटा सा हॉल होता है, टनल लाइक, और अंदर जाके वो बड़ा सा दिखता है. जाने के लिए ओपनिंग हॉल है वो थोड़ा सा छोटा ही रहता है. नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ ओपनिंग लाइक हॉल होता है, जहाँ जिसके अंदर हम बर्ड जो होते हैं उनके अंदर जा सके, और अंदर से जाके वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, अंदर वो बड़ा होता है नेस्ट. टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम थ्रू विच द बर्ड एंटर इट्स होम. इस होम में एंटर करने के लिए वो बॉटम में, मतलब नीचे नेस्ट जहाँ पूरा होता है वहाँ बॉटम में टनल लाइक ओपनिंग हॉल, मतलब टनल में जैसे हम घुसते अंदर तो बाहर की तरफ हॉल बहुत छोटा होता है, अंदर नेस्ट बहुत बड़ा होता है. कि किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ नेस्ट बना है, बराबर छोटा सा हॉल जिसके अंदर से बर्ड अंदर बाहर आ जा सके, उस टाइप का. केयर ऑफ द यंग्स. यू ऑलरेडी नो दैट बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट व्हाइल वन ऑफ द पेरेंट्स सिट्स ऑन द एग टू वार्म देम. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बर्ड्स अपने अंडे दे नेस्ट में रखते हैं, व्हाइल वन ऑफ द पेरेंट्स सिट्स ऑन द एग्स टू वार्म देम. और कोई दो में से एक पेरेंट्स, मतलब बर्ड्स के जो पेरेंट्स होते हैं दो में से एक पेरेंट्स उनको वार्मनेस देते हैं. द अदर पेरेंट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, एंड जो दूसरा वाला बर्ड होता है वो एनिमीज से बचाता है. आफ्टर ए फ्यू डेज यंग बर्ड्स कम आउट द एग्स, दिस इज कॉल्ड हैचिंग. और थोड़े दिनों के बाद यंग वन यानी बर्ड का जो बच्चा है वो बाहर एग में से बाहर आता है, उनको क्या बोला जाता है? हैचिंग. इट मीन बाय एग्स, बर्ड्स अपने एग्स देते हैं, फिर दो में से कोई भी पेरेंट को वार्मनेस देते हैं और दूसरा वाला पेरेंट एनिमीज को इन अंडों से बचाते हैं. एंड वार्मनेस देने के बाद थोड़े दिनों के बाद अंडे में से बर्ड जो बाहर आता है इस प्रोसेस को हैचिंग बोला जाता है. The body birds are weak and without feathers. The baby birds are weak and without feathers. जो baby boy होता है वो क्या होता है? Weak होता है. अभी तो newborn baby है इसीलिए वो weak ही होगा, without feather, और उनको पंख भी नहीं आए हुए होते. Their eyes are closed. उनकी आंखें बंद होती है. The parents feed them and look after them. जो बर्ड्स पेरेंट्स होते हैं वो उन यंग वन बर्ड की केयर करते हैं और फीड भी कराते हैं, यानी बाहर से लाके फूड लाके उसके मुंह में वो देते हैं. द बेबीज ग्रो वेरी फास्ट एंड द डेवलप स्ट्रेंथ एंड फीदर्स. बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है एंड डेवलप स्ट्रेंथ एंड फीदर्स, और अपनी स्ट्रेंथ यानी पकड़ मजबूत कर लेता है और पंख भी आ जाते हैं. दे लर्न टू द फ्लाई एंड लुक
फॉर फूड आइदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स और ऑन देयर ओन. वो फ्लाई करना भी सीख लेते हैं, लुक फॉर फूड एंड अपने खुद के फूड के लिए भी वो जाते हैं और आइदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स और ऑन देयर ओन. वो अपने आप भी अपने फूड के लिए जाते हैं या फिर उनके पेरेंट्स भी उनको फूड के लिए हेल्पफुल होते हैं. अब आगे नेम टू बर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स. हर एक के लिए हमें दो दो बर्ड्स के नाम देने हैं. बर्ड्स दैट कैन फ्लाई वेरी हाई, जो बर्ड्स बहुत ऊपर तक उड़ते हैं, ऐसे दो बर्ड्स के नाम देने. तो वो क्या हो सकता है, वल्चर एंड काइट्स, दोनों बहुत ऊपर तक उड़ते हैं. बर्ड्स दैट मेक कप शेप नेस्ट. कप शेप नेस्ट कौन बनाता है, हमिंग बर्ड एंड टेलर बर्ड. कप से बर्ड्स दैट मेक कप शेप नेस्ट, मतलब के कप सब शेप के, कप शेप के जो नेस्ट बनाते हैं वो कौन कौन से बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड एंड टेलर बर्ड. बर्ड्स दैट मेक बूरो नेस्ट, जो बूरो शेप का नेस्ट बनाते हैं वो कौन कौन है, स्वेलो एंड किंगफिशर, स्वेलो एंड किंगफिशर. बर्ड्स देन कैन फ्लाई ऑन ये शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी डिस्टेंस तक ही जो उड़ सकते हैं वैसे बर्ड के नाम क्या है, हो सकते क्या है, हैन एंड पीकॉक्स, जो कम डिस्टेंस तक ही उड़ सकते हैं. एक बार और रिपीट कर लेते हैं, बर्ड्स दैट कैन फ्लाई वेरी हाई, जो बर्ड्स बहुत ऊपर तक उड़ सकते हैं वो वुल्चर एंड काइट्स, जो बर्ड्स कप शेप के नेस्ट बनाते हैं वो हमिंग बर्ड्स एंड टेलर बर्ड्स. बर्ड्स दैट बूरो नेस्ट जो बनाते हैं वो कौन से बर्ड्स है, वो स्वेलो एंड किंग फिशर. एंड जो बर्ड्स बहुत कम डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं वो कौन कौन से बर्ड है, हैन एंड पीकॉक. अब आगे एक्सरसाइज पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ डज द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड हेल्प इट टू फ्लाई. द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो. The bones of birds are hollow and are filled with air. These help them to fly. Birds have strong muscles called the flight muscles. The wings are attached to these muscles. They help the wings to move up and down. फिर क्या है? What kind of beak do swallows have? How does it help them to capture their food? Swallow have broad and short beaks which are strictly inside. They keep their mouth open while flying. Small flies and insects stick to the beak and the birds swallow them. फिर क्या है? What is the function of the claws of bird? Claws के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं, तो देखो, द क्लोज ऑफ बर्ड्स हेल्प इट टू वॉक, स्वीम, क्लाइम एंड पर्च. दे ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू कैच, होल्ड एंड ईट फूड एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमल्स. अब क्या है, नेम द थ्री टाइप्स ऑफ फीदर्स. बराबर तीन अलग अलग टाइप के फीदर्स के नाम आपको देने हैं. बॉडी फीदर्स, डाउन फीदर्स एंड द फ्लाइट फीदर्स. तो आंसर क्या होगा, बॉडी फीदर्स, डाउन फीदर्स एंड फ्लाइट फीदर्स. हाउ, फिर आगे है, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स फ्लाई कैसे करते हैं, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स. विंग्स आर द मॉडिफाइड फॉरलिम्स. दे मूव इन टू स्पेशल वेज कॉल्ड अपस्ट्रॉक एंड डाउन स्ट्रॉक. In upstroke, the wings are stroke upward and backward, while in the downstroke, the wings are pushed downward and towards. This stroke lifts the bird into the air and the bird flies. To change
The direction of flight. Birds also their tail feathers wherever. अब आगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. What kind of nest does the tailor bird make? How does it build it? Tailor bird किस टाइप के nest बनाते हैं और कैसे बनाते हैं. चलो. The tailor birds use leaves together to make a nest. Holes on the edge of the leaves with its fine beak and sews them with thread, wool, etc. This is called the tailor bird. The bird keeps hair, wool, grass and cotton in the nest to make it warm and comfortable. फिर आगे है what happens during hatching. Hatching के time क्या होता है. One of the parents sits on the eggs to warm them and the other parents protect them from the enemies. After a few days, young birds come out the eggs. This is called hatching. What kind of feed do cranes and herons have? Herons and cranes have long legs with the spread out toes. अब आगे. Match the followings. Peacock. तो peacock को strong, short and hard beak होगी. Woodkeeper को long, curved toes होगा. Duck, webbed feet. Penguin, scrap nest. Hop, the strong and chisel-shaped beak. Mynah, perching bird. अब आगे. Fill in the blank. Birds like herons and kingfisher. Birds like heron and blank. Blank के अंदर kingfishers have long pointed beak to spear fish. तो blank में क्या आएगा. First में kingfisher and second में fish. Second, birds have a strong muscles called the blank muscles. Birds को जो muscles होते हैं उसको क्या बोला जाता है. Flight muscles. Birds have strong muscles called the flight muscles. Blank are the modified forelimb. Wings are the modified forelimbs. Birds of prey have strong and sharp claws so called talons. Birds of prey have strong and sharp claws called talons. The blank feathers are used in flapping and the tail feathers helping in the changing the blank during the blank. The wing feathers are used in flapping and the tail feathers help in the changing the direction during the flight. Beak of parrots help them to blank seeds, blank and blank. Beak of parrots help them to crack seeds, nuts and fruit. The blank bird weaves a very beautiful and strong nest with twigs, straw and grass. The weaver bird weaves a very beautiful and strong nest with the twigs, straw and grass. Blank and blank can fly only a short distance. Hens and peacocks can fly only a short distance. Now next, take the correct answer. Which of these feathers are soft and fluffy and help to keep the bird warm? Body feathers, down feathers or a flight feathers? So down feathers. Which of these birds has a beak that help into the suck nectar from the flowers? So hummingbirds. Which of these birds has talons? To hawks. What helps a bird to climb, walk, swim and purse? Close.
Which of these birds make a cup-shaped nest? Tailor birds. अब आगे ए फाइंड आउट द नेम्स ऑफ नाइन मोर बर्ड्स इन द गिवन ब्रीड द नेम्स मे रीड फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड अक्रॉस वेरेवर आपको यहाँ एक ब्रीड दी गई है उनमें आपको बर्ड ढूंढने अपने आप ये एक्सरसाइज की करनी है देखो ऐसे मैंने किया है हॉक्स सनबर्ड्स पैरोट वुडकीपर डक तो दिया ही है गूस होप्स ये सारे मैंने किए आप अपने आप भी करना फिर आगे कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट बॉडी ऑफ ए बर्ड तो बॉडी के बर्ड के जो बॉडी है उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखो हेड विंग्स टेल एंड लेग्स हेड विंग्स टेल एंड लेग्स टाइप्स ऑफ नेट्स कितनी टाइप के नेट्स होते हैं तो स्क्रैप बुरो कैविटी कप एंड पेंडेंट वन मोर टाइम टाइप्स ऑफ नेट्स तो टाइप्स ऑफ नेट्स में पांच टाइप के नेट्स होते हैं क्रैप्स होते हैं बुरो टाइप के होते हैं कैविटी टाइप के होते हैं कप टाइप के होते हैं एंड पेंडेंट टाइप के होते हैं We are completed our fourth chapter at here. Let's see the today's homework. Write all the exercises of chapter 4 in your notebook. मतलब आपको ये सारी exercises, question answers, fill in the blank, match the followings, fill in the blank, match the followings, tick the correct answer. एंड ये ग्रीड एंड वेब चार्ट आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है राइट ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 4 इन योर नोटबुक